गांव के अंदर ओयो के कमरे दे सकते हैं आप। मतलब आप सोचिए कि आपके घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, तो आप अपने गांव में ओयो का एक कमरा बनाइए, ओयो के हिसाब से उसको डिजाइन कीजिए। तो अब किसी लड़का लड़की को व्यभिचार करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए यदि जरूरत है, तो वो ऑनलाइन सर्च करे कि मुझे जो है उचाणा में ओयो का कमरा चाहिए। आप उस कमरे में जाइए, आपको जो गंदगी फैलानी है वो फैलाइए, क्योंकि गाँव में रहने के लिए किराए के मकान की जरूरत पहली बार महसूस हुई हमें तो पता है। प्लाजा में गुंडे बिठा रखे हैं, वो टोल प्लाजा, वैसे ये टोल प्लाजा नहीं है, गुंडा प्लाजा है। ये गुंडा टैक्स से है, इसी के विरोध में हम वो दर्ज करते हैं, और हम कभी किसी को टोल कंपनी को टोल नहीं देते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी है, तो हम यहाँ चलने का पैसा नहीं देंगे। अगली बार कोई टोल वाला आएगा उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे हम, लेकिन टोल भी नहीं देंगे, करेंगे हम दोबारा फिर बैठेंगे और दोबारा भी टोल बंद करेंगे। और एक दिन इस देश की जनता इतनी आक्रोशित हो जाएगी, ये सारे टोल उखाड़ के फेंकने हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं पार्टियाँ, एक आदमी मालिक होता है, चेहरा होता है या कुछ, उन्हीं के पीछे पीछे भागना पड़ता है, उन्हीं को पानी मारना पड़ता है टिकटों के लिए। जय रे आंटी देखो आदर्श कन विक्रम की राम राम, और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त हम झील जिले को चाणा में हम मौजूद है, और आज यहाँ पर है जो देख पा रहे हैं, जो नरेंद्र बलारा है यहाँ पर पहुँचे थे, जो जनता ही सरकार है। फिलहाल बात करना चाहेंगे यहाँ पर उनका, यहाँ पर आने का कुछ यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था जी, जो आज उचाणा धरने पर यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ पर आने का कुछ मुख्य उद्देश्य। मकसद एक ही है भाई साहब, हम अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सरकारों ने बीज पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिए हैं। आप देखोगे खेत के बीज इस टाइम बाजार के ऊपर निर्भर हैं, इसी तरह से डंगरों के बीज भी बाजार से ही आते हैं, और IVF टेक्नोलॉजी से इंसान का बीज भी बाजार से ही आ रहा है। तो जब सारा ही बीज बाजार से आ रहा है, तो इंसान के पास क्या है? आदमी के पास आज गाँव में जाओगे, ना अपना पानी है, ना अपना बीज है, ना अपनी बिजली है, ना अपना अनाज है, ना अपने डंगर हैं, ना अपना कोई उत्पादन है, और कोई व्यवसाय नहीं है। उसको कपड़े पहनने हैं तो भी कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यहाँ तक कि लेटरिंग करने के लिए भी उसको कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। कंपनियों के कारोबारों के लिए सरकारें काम कर रही हैं और आदमी के लिए काम नहीं कर रही हैं। यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो GDP घटती है, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कंपनियों को पैसा देता है तो GDP बढ़ती है, अगर आपका बच्चा पैदल स्कूल जाता है तो GDP घटती है, और आपका बच्चा अगर बसों में स्कूल जाता है तो पैसे का सर्कुलेशन होता है तो GDP बढ़ती है। यदि आप अपने देसी नुस्खे से इलाज करते हो तो GDP घटती है, और यदि आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हो और कंपनियों के लिए अल्ट्रासाउंड और ये सिटी स्कैन और शहरों में जाकर इलाज कराते हो तो GDP बढ़ती है। यदि आप बैल से खेती करते हो तो GDP घटती है, यदि आप ट्रैक्टर से खेती करते हो तो GDP बढ़ती है। यानी कि आपकी बर्बादी ही GDP है, आपकी बर्बादी ही देश का विकास है, यही डेफिनेशन है, और इन्हीं परिभाषाओं में समाज को उलझा करके रख दिया गया है। और इसी मिशन पे हम बचे हुए हैं कि कैसे हम अगली संतानों को, अपने बीज को, अपनी नस्लों को बचाएं। और 19 तारीख को करनाल में सुबह 10 बजे हमने एक रैली रखी है, जिसका नाम रखा है नस्ल बचाओ रैली, जिसमें जनता सरकार मोर्चा के साथ ही बाकी सभी संगठनों के साथ मिल करके समाज को, सरकार को ये चेताने का काम करेंगे कि आप लोग हमारे लिए काम करने के लिए हो, ना कि कंपनियों के लिए। 19 नवंबर की। अच्छा, आप 19 नवंबर को आप भाषण देते हुए एक बात बोले ओयो के बारे में, गांव के अंदर ओयो के कमरे दे सकते हैं आप। मतलब आप सोचिए कि आपके घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, तो आप अपने गांव में ओयो का एक कमरा बनाइए, ओयो के हिसाब से उसको डिजाइन कीजिए, तो ओयो उसको आपकी लिस्ट में डाल देगा। तो अब किसी लड़का लड़की को व्यभिचार करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए यदि जरूरत है, तो वो ऑनलाइन सर्च करे कि मुझे जो है उचाणा में ओयो का कमरा चाहिए, तो ओयो के जितने कमरे वहाँ रजिस्टर्ड होंगे वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप उस कमरे में जाइए, आपको जो गंदगी फैलानी है वो फैलाइए, क्योंकि गाँव में रहने के लिए किराए के मकान की जरूरत पहली बार महसूस हुई हमें तो पता है। गाँव में तो आप चौपाल में सो जाओ अगर आप अकेले हैं, अगर आप कहीं पर कहीं पर भी सो जाओ, वरना किसी के घर में शरण अपने आप ही मिल जाएगी। गाँव के अंदर तो ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। गाँव में किराए पर कमरे का लॉजिक क्या है? ये चालू हो रहा है अभी जी। अच्छा, वो जो टोल प्लाजा क्या कुछ मामला था, वो जो वहाँ पर टोल प्लाजा में गुंडे बिठा रखे हैं, वो टोल प्लाजा, वैसे ये टोल प्लाजा नहीं है, गुंडा प्लाजा है। ये गुंडा टैक्स से निजात दिलानी पड़ेगी इस देश को। ये सड़कें हमारी हैं, हमारे पैसे से बनी हैं, इससे कंपनियां नहीं कमाएंगी, कंपनियां इस पे राज करने के लिए नहीं बनी हैं। इसी के विरोध में हम वो दर्ज करते हैं, और हम कभी किसी को टोल कंपनी को टोल नहीं देते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी है, तो हम यहाँ चलने का पैसा नहीं देंगे। हम तुम्हें ये अधिकार नहीं देंगे कि तुम मालिक हो, और ये हमारा जारी रहेगा।
अगली बार कोई टोल वाला आएगा उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम लेकिन टोल भी नहीं देंगे, हम ऐसे ही बैरियर क्रॉस करके जाएंगे। अगर वो उस दौरान हमारे साथ मारपीट करते हैं तो दोबारा फिर करेंगे, हम दोबारा फिर बैठेंगे और दोबारा भी टोल बंद करेंगे। और एक दिन इस देश की जनता इतनी आक्रोशित हो जाएगी, ये सारे टोल उखाड़ के फेंकने हैं, यही काम जनता सरकार मोर्चा ने अपने हाथ में लिया। इस बात समझौता कुछ नहीं, जो हमने कहा था उन्होंने कान पकड़ कर माफ़ी मांग ली, जो बाकी कभी जीवन में जिससे भी पहले कभी उन्होंने बदतमीजी की है उससे भी माफ़ी मांगी उन्होंने, और भविष्य में वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, यही हम सिखाना चाह रहे थे, यही बताना चाह रहे थे। जनता सरकार क्या पार्टी बनाने के जनता सरकार मोर पार्टी तो प्राइवेट कंपनी होती है, मैं कह रहा हूँ जनता ही सरकार है, तो पार्टी बनाने का तो सवाल ही गलत है आपका। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं पार्टियां, एक आदमी मालिक होता है, चेहरा होता है, या कुछ ग्रुप एक चेहरा होता है, और उन्हीं के पीछे पीछे भागना पड़ता है, उन्हीं को पानी मारना पड़ता है टिकटों के लिए, उन्हीं के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, वो काम नहीं है जनता सरकार मोर्चा में। जनता सरकार मोर्चा इस देश का पहला और एकमात्र ऐसा संगठन है जो संगठन भी है और जो संगठन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रधान नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, पहले व्यक्ति से लेकर के आखिरी व्यक्ति तक, यानी जो मैंने जब हमने शुरुआत किया था जिन 21 लोगों ने, उनसे लेकर के और जो व्यक्ति कल ज्वाइन करेगा उस तक सब की वैल्यू बराबर है, सब सदस्य हैं, लेकिन इसमें जिस व्यक्ति का अनुभव ज़्यादा है उस व्यक्ति को कुदरती तरीके से नेतृत्व देने का एक ट्रेंड है कि जो व्यक्ति के पास जो भी आइडिया है वो अपने आइडिया को बताए, समाज में उतरे और अपना नेतृत्व खुद से ले। हमारे जनता सरकार मोर्चा का एक नियम है कि जिसका आइडिया होगा वही एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरा नियम है जनता सरकार मोर्चा का, जो व्यक्ति धरनों पर जाकर दूसरी जगह पर जाकर माइक लेता है, जिसको स्टेज मिलेगी, वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो यदि मैं प्रचार में हूँ और मैं स्टेज मुझे मिली हुई है और मैं माइक पर हूँ तो मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये जनता सरकार मोर्चा के नियमों में है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।